हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रेस अप कैचअप। तो क्या आप अपनी बोरिंग सी वाइट टी शर्ट को पहन पहन के बोर हो गए हैं? इफ़ येस, तो यहाँ पे मैं आपको चार डिफरेंट तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने वाइट प्लेन टी शर्ट को बार बार पहनेंगे। यहाँ पे मेरे पास बेसिक सा नॉर्मल टॉप है, वाइट पूरा प्लेन है ये। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हेड एक्सेसरीज बैंडानास एंड स्कार्फ्स का। ये वो इतने ट्रेंडी थे इस पूरे साल एंड हो भी क्यों ना, दे आर सो यूजफुल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना स्कार्फ को फोल्ड कर लिया एक ट्रायंगल शेप में एंड उसको मैंने पूरे अपने चेस्ट के अराउंड कवर कर दिया, सीधा नहीं बट साइडवेज। साइड में मैंने बस एक सिंपल सी नॉट बांध दी एंड दैट्स इट। तो ये है मेरा फर्स्ट लुक। आप देख सकते हैं मैंने स्कार्फ भी रेड कलर का चूज किया जो कि मेरे व्हाइट कलर को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी एलिवेट कर रहा है पूरा आपका आउटफिट, कितना कलर ऐड कर दिया इसने मेरे पूरे आउटफिट के साथ। ट्रेंड में भी इसलिए था क्योंकि इतना वर्सेटाइल था, आप एक हेड एक्सेसरीज को नेक एक्सेसरीज में भी टर्न कर सकते हैं एंड ऑल्सो सो मच मोर टू एलिवेट योर होल स्टाइल। तो दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं टू लेयर इट, आप इसको एज अ यूज कर सकते हैं एज अ ड्रेस ओवर टॉप। अगर आपको ड्रेस पहनने का मन नहीं है, इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल, तो आप उसको एक टॉप के अंदर भी पहन सकते हैं एंड यू विल सी ये कितना अमेजिंग टर्न आउट होके आता है। व्हाइट कलर का ये फायदा है कि उसके साथ बहुत सारे कलर अच्छी तरीके से जचते हैं, जैसे कि रेड तो मैंने पहना ही है, ब्लू, इवन येलो एंड इवन ब्लैक टू। इवन इतने सारे कोरियन पॉप आइडल लाइक ब्लैक पिंक जेनी हु इज नोन फॉर हर फैशन, लाइक उन्होंने भी ऐसा एक स्टाइल अपनाया था। यू कुड सी कि लेयरिंग करने से कितना टोटली डिफरेंट लुक लाता है आपकी पूरी आउटफिट में। स्टेप नंबर 3 इज वेरी इजी, बस आपको कुछ बिग चंकी बोल्ड नेक पीसेस ऐड करना है एंड यू विल सी कि आपकी पूरी आउटफिट कितना डिफरेंट एंड यूनिक सा लुक देती है। यहाँ पे क्या हुआ, मैं वीडियो तो शूट कर रही थी बट मैंने रियलाइज किया कि मेरा बैकग्राउंड के पर्दे और मैं तो एक जैसे ही लग रहे हैं, तो आई डिसाइडेड टू चेंज दैट फॉर क्लियर व्यू। यहाँ पे मैंने अपनी वाइट टी शर्ट को टक्ड इन कर लिया है एंड नीचे मैंने पहना है उसको ब्लू स्कर्ट के साथ। एज एन इंडियन वुमन हम लोगों को ट्रेडिशनल ज्वेलरीज बहुत पसंद आती हैं एंड जब हम उसको पेयर करते हैं विद समथिंग मॉडर्न, नथिंग सीम्स मोर परफेक्ट देन दैट फ्यूजन लुक। एंड ऑल्सो ऐसी आउटफिट्स को आप पेयर कर सकते हैं विद लहंगा स्कर्ट, गाउन एंड इवन विद लॉन्ग स्कर्ट। तो ये है वो ज्वेलरीज जो मैंने इस आउटफिट के लिए पहनी है। नेक्स्ट आप नॉट हैक्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड का थोड़ा सा एरिया फोल्ड करना एंड दूसरे साइड का भी फोल्ड करना बट उसके ऊपर, देन आप उन दोनों को अच्छे से पकड़ना है सेंटर में एंड फिर आप अपना टी शर्ट के अंदर हाथ डालना एंड विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड, एक रबर बैंड की मदद से आप उसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर देना एंड आप देखेंगे कि ये थोड़ा नॉट सा लुक भी दे रहा है। अभी हमने बस नॉट कंप्लीट किया है, पूरा हैक नहीं, तो बस हमें और कुछ नहीं करना, टी शर्ट को अंदर डालना है अपनी जीन्स या अपनी शॉर्ट्स के अंदर एंड दैट्स इट। ये था पूरा लुक। आई थिंक ये बहुत ही कूल एंड एफर्टलेस स्टाइल है अपने कोई भी आउटफिट को एलिवेट करने के लिए, क्योंकि जब आपने बिना नॉट के साथ टी शर्ट देखी थी तो बहुत ही डल लग रही थी बट नॉट के बाद यू कुड सी द चेंज द होल डिफरेंट लुक, इट लुक सुपर क्यूट। प्लस ये एक परफेक्ट एड ऑन है अगर आप कोई कैजुअल आउटिंग्स के लिए बाहर जा रहे हैं, तो काफ़ी हैं उसके वेरिएशंस भी काफ़ी हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू कमेंट कि आपको कौन सा आउटफिट सबसे बेस्ट लगा।